जय माता की राधे राधे आप सभी को। तो आज का मेरा ये ब्लॉग 5:30 बजे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज है गुरुवार, हमारे इधर मार्गशीर्ष का गुरुवार का व्रत चालू हो गया है। मुंबई में इसका बहुत महत्व है, इसको वैभव लक्ष्मी का भी व्रत बोलते हैं। और मैं घर से निकल पड़ी हूँ क्योंकि उस घर पे मेरे पूजा हुआ है, मेरी देवरानी ने व्रत रखी है। और घर के सामने देखिए मेरे ये काफ़ी बड़ा गार्डन है, यहाँ पे बहुत लोग सब आते हैं। और थोड़े दूर पे मैं चल के जाऊँगी तो वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। तो देखिए यही मेरा घर है और मैं पहुँच गई हूँ। बाहर का नज़ारा देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर पूजा हो चुका है, मैं लेट हूँ। क्योंकि मेरा आगे का ब्लॉग देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा मैं क्यों लेट हूँ। मैं भी अपने भगवान जी का सब कर रही। तो ये व्रत मैं पहले 10-15 साल तक रख चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं करती हूँ, मेरी देवरानी करती है। और यहाँ पे लोग ने पूजा वगैरह कर लिए हैं और सब लोग अभी आरती कर रहे थे, तब तक मैं पूजा का तैयारी हो गया। नहीं, पूजा ही हो गया ना। अम्मा यहाँ बैठ के क्या करते हैं? फ्रूट खाते हैं? मतलब नहीं, भोग चढ़ा वगैरह पूजा इधर हुआ है, पूजा इधर हुआ है और भोग इधर चढ़ा है। तो देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है, ऐसा लग रहा है माता लक्ष्मी आके सच में बैठ गई हैं। और बहुत अच्छे से लोग ने यहाँ पर सब डेकोरेट किए हुए हैं फूलों से, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं भी आके इनका पैर पड़ ली, हल्दी कुमकुम लगा दी। और यहाँ पे इसका हल्दी कुमकुम का बहुत बड़ा महत्व होता है। लास्ट वाले जो गुरुवार होती है उसमें सब एक दूसरे के घर पर जाके हल्दी कुमकुम लेते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं। और इस टाइम पर शाम को ही ज़्यादातर पूजा करते हैं और पाठ, इसमें का जो किताब रहता है वो पाठ भी पढ़ना रहता है इसका कहानी। दिन में व्रत रहता है, शाम को इसमें जो भोग लगाते हैं वो अन्न का भोग का वो प्रसाद भी खाते हैं। तो इसी तरह से मुंबई में रखते हैं और हम लोग भी इसी तरीके से रखते हैं, जबकि हमारे कोई भी व्रत में शाम को नहीं छूटता है। तो देखिए आप सब भी दर्शन कर लीजिए, बड़े ही सुंदर सब भगवान लग रहे हैं। और मेरा ये नए वाले घर का मंदिर है और बहुत अच्छे लग रहे हैं सब भगवान जी। और बहुत ही सुंदर से लोगों ने पूजा वगैरह कर ली है। उस टाइम पे 6 बज रहा है, अब काफ़ी पूजा सब कुछ हो चुका है। और ये मेरे हनुमान जी हैं, जब से गृह प्रवेश का पूजा था तब से यहीं पर आए हैं, यहीं पर हैं। अभी इनको जाने का टाइम नहीं हो रहा है, लगता है जब इनका मन करेगा तब जाएंगे। और ये लोग भी इतने काम में व्यस्त थे कि अभी तक शायद फलहार भी नहीं किए थे, तो अभी अपने फलहार कर रहे थे रतालू का, तो हम लोग को भी ला के दे दिए। मैं भी खा रही थी थोड़ा सा और अम्मा भी खा रहे थे थोड़ा सा, हंसी मजाक बातचीत हम लोग ने किए। और फिर उसके बाद अभी मैं शाम तक यहाँ रुकूंगी, शाम का खाना खाने के बाद जाऊंगी। और इधर ये फलहार कर रही है, इसी का व्रत है, यही रखी है। तो अभी हो गया शाम और शाम का मैं सीन दिखा रही हूँ। शाम बोलेंगी तो रात 8:30 बज रहा है, जल्दी भोग लगता है। तो इसमें मीठे का कुछ भोग लगता है और भाजी और सब्जी यानी कि पूड़ी ये सब बनता है, लेकिन बिना लहसुन कांदे का सब बना के वही भोग लगाना रहता है। तो मैं लगा दी हूँ यहाँ पे लगा के, फिर मैं किचन में आ गई हूँ। और वो जो बटाटे का भाजी था उसमें लहसुन कांदा नहीं पड़ा था, और ये है कटहर की भाजी बनने वाली है फनस की, इसको तेल में फ्राई करके रख गया है। और यहाँ पर मसाले भूज रहे हैं और ये लोग भाजी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज खीर पूड़ी और दो भाजी यही सब बनने वाला है। हर गुरुवार को 5 गुरुवार को इसी तरीके से खाना बनता है, क्योंकि ये जो व्रत होता है ना इसको शाम को मतलब राती को टाइम भोग लगा के उसके बाद जो भी भोग लगाए रहते हैं उसको खा के फिर व्रत को खोल लेते हैं, मतलब यहाँ का यही रिवाज है। और ये मुंबई के रिवाज से ही हम लोग रखते हैं व्रत को। तो हमारे व्लॉग में यहाँ पे आंटी झाड़ू मार रही है, आप देख सकते हैं। ये है कढ़ाई, हाँ, की बर्तन की स्पेशल कढ़ाई, ऐसा ये ढक्कन है। आपको चाहिए रहेगा तो ब्लिंक के टाइप से, आपको चाहिए रहेगा तो ब्लिंक के टाइप से ले लीजिए। तो ये जो मैं कढ़ाई और ढक्कन के साथ दिखा रही थी ये मिट्टी का कढ़ाई है, और इसमें भाजी बनाएंगे ना बहुत अच्छा इसका स्वाद आता है। ऐसा एक बार लाए थे पर जल्दी टूट जाता है, प्रोटीन इससे बचाना रहता है। और फिर सभी खाना खा लिए और मैं भी अभी खाना खा के फिर जाऊंगी उस घर पे, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है मेरे को। तो बस मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप सबको थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।